हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एडजेक्टिव्स। तो चलिए करते हैं एडजेक्टिव्स को, ठीक है? एडजेक्टिव्स हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विशेषण। क्लियर? तो चलिए एडजेक्टिव्स, व्हाट डू मीन बाय द एडजेक्टिव्स? सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में बताते हैं? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। नाउन तो पता ही होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, है ना? और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पर यूज़ होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही आपके प्रोनाउन हैं। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? पावरफुल क्या है आपका यहाँ पे? एडजेक्टिव, क्योंकि साइक्लोन के बारे में बता रहा है आपके, नाउन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे न्यू है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा बता रहा है। और यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव, ठीक है? चलिए अब समझते हैं कहाँ कहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। बिफोर नाउन्स, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, कॉशियस अप्रोच, लाइवली डिस्कशन, हेल्दी हैबिट्स, और या फिर आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, ठीक है? जैसे देखो, इज के बाद लगा स्पेशियस, आर के बाद लगा ग्रेसफुल, वॉज के बाद लगा काम और पीसफुल। ये स्पेशियस, ग्रेसफुल जो अंडरलाइन है, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। चलिए नेक्स्ट है आफ्टर द एडवर्ब, एडवर्ब के बाद, जैसे इंटरेस्टिंग आपका एडवर्ब है, हॉट एडवर्ब है, हैप्पी एडवर्ब है, इनके आगे जो वेरी लगा हुआ है ना, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव्स। अब चलिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनका कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव फॉर्म में। जैसे कि अगर हम कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं मोर, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ये पॉइंट सेम ही हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, हाउ मच, जहाँ आपको पता है मतलब कि हाउ मच, वो आपका होता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कौन सा होता है वो आपका? हाउ मच, जो किसी अमाउंट को इंडिकेट करता है। इफ़ वी गेट द आंसर ऑफ अ सेंटेंस हाउ मच, अगर हमें हाउ मच का आंसर मिल जाता है अपने सेंटेंस में, तो वो किसके उसको डिफाइन करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, ठीक है? जैसे सम, लिटल, इनफ, मनी, तो ये सभी जो है क्वांटिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं बोलूँ हाउ मैनी, तो ये किसको नंबर करेंगे? नंबर को इंडिकेट करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? नंबर को। जैसे फाइव, मैनी, अ फ्यू और सेवरल, ये सभी नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? ये भी एक पार्ट है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव है, ऐसे ही यहाँ पर क्वान्टिटी और क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी और क्वांटिटी आपका क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है ये, और क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। चलिए पोसेसिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। जैसे माई है, देयर है, हिज है, आर है, ये आपका क्या है? पोसेसिव है। फर्स्ट पर्सन के हम सिंगुलर फॉर्म में माई यूज़ करेंगे, प्लूरल के फॉर्म में आर यूज़ करेंगे, और सेकेंड पर्सन के साथ योर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। थर्ड पर्सन आपको पता ही है, हीज, हर, इट्स आपका सिंगुलर होगा और देयर आपका प्लूरल होगा, ठीक है? चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव सिंपल है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार वर्ड जो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव से बिलोंग करते हैं, जो और जिसमें दिस और दीज ये हमें शो करता है किसी भी चीज़ का पास होना, यानी नियर बाय, ठीक है? और दैट और दोज शो करता है डिस्टेंट को, मतलब फार। कोई भी चीज़ अगर आपके दूर होती है, तो उसको हम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट और दोज। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, दिस हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, कोई चीज़ अगर आपसे दूर हो, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ आपसे दूर हो तो दीज हो जाएगा, सॉरी नियर, पास के लिए हो जाएगा। जैसे दैट एनिमल इन द पिक्चर इज़ एन ओटर, तो दैट तो दूर हो गया आपका, लेकिन एनिमल एक है तो दैट होगा, ठीक है? और दिस लेक, लेक एक है तो टी एच आई एस, दिस मतलब पास की चीज़ के लिए। डायमंड्स, एस लगा हुआ है, है ना? तो ये प्लूरल बन गया, और इसके लिए फिर आपको दीज आ जाएगा, ठीक है? दोज मेमरीज, अब देखिए प्लूरल बन गया, ठीक है, ई एस लग के, और ये दोज यहाँ पे भी आपको प्लूरल लगाना है, क्लियर?
चलिए अगेन मैं रिपीट करती हूँ, दैट होगा आपका सिंगुलर के लिए जो फार होगा, ठीक है, और दोज होगा प्लूरल के लिए जो डिस्टेंट टाइम मतलब फार दूर होगा। जैसे दिस मंथ हैज़ बीन, तो दिस आपका क्या है, ये आपका क्या है सिंगुलर, तो ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है। और अब देखिए ईयर्स, ये प्लूरल हो गया, तो दोज ईयर्स ये भी प्लूरल, दोज प्लूरल, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स पे आते हैं। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा वो इंटरोगेटिव कहलाता है, जो बिलोंग करते हैं WH फैमिली से, व्हाट विच और वोज। नाउ कम टू द हियर, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, आइडेंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इफ द एंडिंग विद द एबल, ए एल फुल और आई सी, ठीक है, और आई एस एच एच और लेस और आर्स और वाई से अगर एंड हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे टॉलरेबल, देखिए नेचुरल, फॉरगेटफुल, ठीक है, क्लासिक, हैवी, नर्वस, लाइफलेस, चाइल्डिश, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, चलिए फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव्स आपको विद सूटेबल एग्जाम्पल, विद सूटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। दियर होगा फर्स्ट में, सेकंड में माई होगा, थर्ड में योर और फोर्थ में इट्स होगा, फिफ्थ में आर होगा और सिक्स में हिज होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें आपको कॉलम में दिया हुआ है वर्ड्स और वो एडजेक्टिव्स आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फिल करने हैं। तो वेब्ड फर्स्ट में होगा, स्पॉटलेस सेकेंड में, ठीक है, थर्ड में आपका क्रेकिंग और विविड फोर्थ में, ट्रैंक्विल देन उसके बाद एनवियस और जेमोरस और प्रिकली, ऑब्जर्वेंट और डिजी। चलिए सी में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब देखो कुड नॉट स्लीप, कुड के साथ जो है क्या होगा, सिंगुलर होगा, वी वन होगा, तो दैट होगा, ठीक है। दोज आपका प्लूरल हो गया, दिस आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि डे की बात हो रही है, तो दैट डे होगा, दिस डे नहीं। ऐसी डार्क थीम, ठीक है, और यहाँ पे टाइट, T-I-G-H-T, टाइट, सेवरल, और यहाँ पे लिटल, और यहाँ पे व्हाट, देन सफिशिएंट, और उसके बाद केयरफुल। तो जहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे हम सिंगुलर की बात करें तो वहाँ पे आपका दैट लगेगा, और प्लूरल की बात करें तो दोज लगेगा, और कोई पास कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए सिंगुलर में दिस लगेगा, और अगर प्लूरल में हमारे पास है तो दीज लगेगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ ग्रामर का, और अगर आपको कोई भी लिटरेचर का चैप्टर सर्च करना है, क्वेश्चन आंसर देखने या समरी सुनना है, तो यूट्यूब पे चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट, या फिर चैप्टर नेम डालिए, समरी लिखिए बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और ग्रामर की एक्सरसाइज आप मेरी वीडियोज़ में से भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, या फिर सर्च कीजिए नाम लिख के चैप्टर्स का, और एक्सरसाइज विद आंसर्स ग्रामर में लिखिए, और क्वेश्चन आंसर्स विद क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नेम के साथ बाय रानी शर्मा लिटरेचर के लिए लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।